वेलकम टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में बीपीएससी 67 पीटी के लिए ज्योग्राफी से संबंधित 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 4 है। यदि आपने टेस्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 377,873 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा क्यूबा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ऑप्शन ए है वेल्ड, ऑप्शन बी है प्रेयरी, ऑप्शन सी है स्टेपीज, ऑप्शन डी है पंपास और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंपास। पंपास दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज मध्य एशिया में और पंपास अर्जेंटीना में घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम भारत, ऑप्शन बी है उत्तर भारत, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी भारत और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से
बैलाडिला में किसका खनन होता है? ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ऑप्शन बी है सिडेराइट, ऑप्शन सी है लिमोनाइट, ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेमेटाइट। बैलाडिला हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, बैलाडिला में हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। बैलाडिला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ऑप्शन ए है दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी है पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन सी है तिरहुत सारण, ऑप्शन डी है कोसी मगध और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोसी मगध। कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिलों से प्रवाहित होती है। गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट MCQ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।